पहना ले भाई की कलाई पे प्यार वादा है। मैंने कहा ये 20 साल में प्यार कहां था यार, ये एकदम से चुनाव आते हैं और याद आ गया। कोई बात नहीं, धन्यवाद उनको, ये प्यार दिखा तो सही बहन का, अभी तक भांजे भांजियों पे चल रहे थे, अब बहन पे आए। इससे पहले, इस चुनाव से पहले संबल पे आए थे, संबल संबल के 100, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 300 रुपए मरने से लेकर जन्म से लेकर मरने तक सारा खर्चा सरकार उठाएगी। मेरी बहनों का क्या क्या बोलते हैं वो केसट, पहले एक केसट आते हैं घुमा घुमा के रिंग में उसे खर 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 खर, बस ऐसी है शिवराज जी। मैं ओम भी आ जा, मैं अनुरोध ये करना चाह रहा था कि जब ये बात एक प्रदेश का मुखिया करता है तो दर्द भी होता है, दुख भी होता है, शर्म भी आती है कि बोलते क्या है और करते क्या है। आप देखो कि विधानसभा में मैंने उनसे पूछा कि साहब प्रदेश पे कर्जा कितना है, तो उन्होंने कहा 3,25,000 करोड़ रुपया लिखित में उत्तर में, जबकि 4,25,000 करोड़ रुपया प्रदेश पे आज कर्जा है। मैंने पूछा ये कर्जा आप लेते हो तो करते क्या हो, तो उन्होंने सवाल के उत्तर में कहा कि हम कर्जा लेते हैं तो 9 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 5 साल में खाना खिलाते। उन्होंने लिखित में कहा हम हवाई जहाज खरीदते हैं जिसका बीमा नहीं करवाते हैं और वो हवाई जहाज पेश हो जाता है तो करोड़ों रुपए उस कर्जे के चले जाते हैं। उन्होंने लिखित में कहा फिर से एक नया हवाई जहाज खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। उन्होंने लिखित में, मेरे उत्तरों में है जो बोल रहा हूं, वचन के साथ बोल रहा हूं, शिवराज जी के साथ झूठी बोल रहा हूं। उन्होंने मेरे लिखित के उत्तर में कहा कि हम 40 करोड़ रुपए का पिछले 3 साल में हवाई जहाज किराए पे लिया और इस कर्जा लिया तो इसका उपयोग किया। इतना ही नहीं करते हैं जो शिवराज जी बड़े बड़े पांडाल बनाते हैं, इतना ही नहीं करते हैं जो भीड़ सरकारी आती है उसको खाना खिलाते हैं, इतना ही नहीं करते हैं लाडली लक्ष्मी की 1,000 रुपए देना है मेरी बहनों को महीने के 1,000 रुपया, उसकी माँ को और उसकी सासू 60 से ऊपर है तो छोड़ देना, उसको नहीं देना है, सिर्फ 60 से नीचे की बहन को देना है। लाडली लक्ष्मी के बड़े बड़े आयोजन करना है, एक आयोजन में 1 करोड़ रुपया खर्च करना है और 1,000 रुपया देना है। ये उस कर्जे के पैसे का उपयोग है जो 3,25,000 करोड़ रुपए ये लेते हैं। साथियों, जैसे ही मैंने ये बात कही शिवराज जी तड़प गए, बीजेपी तड़प गई और नरोत्तम मिश्रा आए और बोलने लगे झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। ये पीसी शर्मा जी थे वहां। मैंने कहा भाई साहब मैं क्या झूठ बोला? नहीं नहीं झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। मैंने कहा यार विधानसभा अध्यक्ष जी इनको देखो अव्यवस्था हो रही है, व्यवस्था बनाओ। नहीं 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 चलेगी विधानसभा, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। देखा होगा वीडियो आप लोगों ने, मैंने पूछा कि झूठ क्या बोला? जो बोला वो विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर से बोला। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा जो बोला वो लिख के दो, मैंने लिख के दिया। 5 मिनट में लिख के दो, 5 मिनट में लिख के दिया। जिन प्रश्नों के उत्तर से बोला था वो प्रश्न भी पटल पर रखे। फिर भी चूंकि सच सुनना नहीं है इसलिए निलंबन कर देंगे। मैंने कहा कि भाई साहब ये कृषि मंत्री जी आपके हैं जिनकी बातें हुई अभी भ्रष्टाचार और उनकी दोस्ती की, ये भी बैठे थे वही सामने बैठते हैं मेरे। मैंने पूछा कि आप कृषि मंत्री हो, महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है, अद्भुत बढ़ रही है, कोई परिवार का साथी इससे अछूता नहीं है, गरीब भी नहीं है, मिडिल क्लास भी नहीं है, किसान भी नहीं, तो जब महंगाई सब दूर बढ़ रही है तो कई तरह की राहतों की बात सरकारें करती है, तो किसान को राहत क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो किसान की लागत 2005-06 में 1 रुपया थी, आज सीधे वो 5 रुपया हो गई। जो किसान की लागत 6-7-8 गुना बढ़ गई, यूरिया के भाव बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, तो आदरणीय सारे विधायक हम सब परिवार के लोग, जन प्रतिनिधि किसान परिवार से आते, शिवराज जी भी किसान पुत्र है और हम सबको भी वोट किसान ही देता है तभी हम विधायक बनते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, मतलब विधायकों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि हम सब मिलकर एक प्रस्ताव पास कर देंगे कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों का अनाज और गेहूं होना चाहिए,
तो कमल पटेल का कहने लगा ये नई नई बात कहां से लिया है भाई साहब। मैंने फिर प्रार्थना की और बिल्कुल सच्चे मन से कह रहा हूं, ये कांग्रेस बीजेपी का भाव नहीं, ये भाव है कि मैंने कहा ये राजनीतिक बात क्यों हो सकती है। सेना पे शहीद होता किसान, सेना पे सेवा करता किसान, सीमा पर सैनिक शहादत देता हमारा सैनिक, और खेत में काम करता किसान एक जगह है, किसान का बेटा ही सीमा पर है। जो अन्न उगाता है किसान वही वो सैनिक खाता है, हम खाते हैं, बाजार खाता है। मोदी जी ने भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज बांट दिया, इन किसानों के दम पे बांट दिया। मोदी जी ने तमंगा लिया, आपके दम पे लिया। मैंने कहा हम सब राजनीति से ऊपर उठे, न कांग्रेस न बीजेपी, सब मिलकर 3000 रुपए क्विंटल का प्रस्ताव पास करें। सारे कांग्रेस के विधायकों ने हाथ ऊंचे करे, पर ये टिमरनी का विधायक और ये कृषि मंत्री हिला तक। फिर मैंने कहा कि मैं जगह जगह वीडियो पहुंचाऊंगा, अगर समर्थन नहीं किया तो किसान पूछेंगे कि जब कांग्रेस के विधायकों ने ये बात करी थी तो तुमने सहयोग क्यों नहीं किया, तो फिर थोड़े पीछे हुए, ये क्या नई दुकान ले आए। मैंने फिर प्रार्थना की कि हो गया जो हो गया, मैं फिर प्रार्थना करता हूं हम सब मिलकर इसका प्रस्ताव को पास करें। आदरणीय हरदा के पवित्र इस मंच पर बैठे हुए परिवारजनों, ये कृषि मंत्री कमल पटेल सबसे बड़ा विरोधी था, इस बात का ध्यान रखना। ये जब आपके घर में आए, खेत में आए, जब आपके गांव में आए, तो इससे पूछना कि 3000 रुपए क्विंटल के भाव का समर्थन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया तूने? तू कृषि मंत्री था, तेरा पहला दायित्व था, पहला दायित्व कृषि मंत्री का होता है कि किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा करे, ये क्यों एक शब्द भी बोला? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के वो परिवार के लोग जो किसान है, जो वोट देते हैं कमल पटेल को, वो पूछे और कहे कि जब तू 3000 रुपए क्विंटल का गेहूं हमें नहीं ले सकता हमारा, तो हम तुझे मुफ्त में वोट क्यों दें? ये सवाल होना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों से होना चाहिए, ये सवाल हर जनप्रतिनिधि से होना चाहिए कि तू बता पहले किसानों के 3000 रुपए क्विंटल गेहूं में समर्थन करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो ठीक, नहीं तो तू तेरे हम हमारे। ये बात, ये भावना पार्टी से ऊपर की है, ये हम सबको ध्यान रखनी है। साथी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का निलंबन हुआ, मेरा भी निलंबन हुआ, देश में 40 से 50 सांसदों का 2-3 बार में निलंबन कुछ कुछ समय के लिए हुआ, देश में विधायकों का निलंबन लगातार जारी है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? जो विधायक निलंबित किसको किया, जो बिकानी, जो खैये पीसी शर्मा बैठे हैं, भैया थोड़ा सा जगह दो इनको, दिखाऊं फिर से, इधर आओ भैया मेरे साथ, इधर आ, ये पीसी शर्मा बैठे हैं भाई साहब, ये तो जग जाहिर है कि 50-50 करोड़ रुपया लेकर दल बदल हुआ, ये परसेप्शन है या नहीं है? अरे है या नहीं है? अखबार वाले भी सारे परिवार के लोग बैठे हैं भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि जो दल बदल हुआ इसमें आर्थिक कंपोनेंट था या नहीं था? यस या नो, मुंह से बता दो, हिला के था, देखो सारे अखबार वाले कह रहे थे था। तो मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं कि 50 करोड़ रुपए होते कितने हैं, कितनी गड्डियां 50-50 हजार की बल्ली ब्याह होती है 50 करोड़ में, जरा बताओ, बताओ ना, 10,000 गड्डियां भाई साहब आपके पूरा जो जिसमें मेहमान बिठाते हो, हाल कितने भाई कितने का है आपका? एक काली शर्ट वाले भैया जिनका घर है ये 25x25 का, 25x25 निकला, मैं ये कह रहा 15x20 का है, पूरा हाल भरा जाएगा फिर भी 3-4 टोपले बाहर रखने पड़ेंगे, इतने होते हैं 50 करोड़ रुपया, इतने पैसे इन्होंने दिए, ये पीसी शर्मा डगमगाए नहीं, ईमानदारी का कोई टेस्ट होता है क्या? जो विधायक आज बिके नहीं उनका सम्मान तो अंतोगत्वा लोकतंत्र की हत्या से बचाने के लिए किया उन्होंने, एक नीति और सिद्धांत के लिए किया उन्होंने, उन्होंने इस वोट की आप जो देते उसकी रक्षा के लिए किया उन्होंने,
तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जो लूट की सरकार है, जो खरीद की सरकार है, जिस तरीके से इन्होंने सरकार गिराई, ये सम्मान गिराया आपके वोट का, मध्य प्रदेश का सम्मान गिराया। सम्मान गिराने में शिवराज जी को महारत हासिल है। शिवराज जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, चुन के बने, ऐसे नहीं थे। पहले भी मैं विधायक था, ऐसे कतई नहीं थे। इसी बार हवस राजनीति की सत्ता की उनमें जागी है। आज वो कह रहे थे ये कमलनाथ तो पागल हो गए, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है जो एक विश्वव्यापी नेता है, जो नरेंद्र मोदी के सामने पैर पे पैर रख के उनसे बात करता है, जो विश्व के कई जगहों पर गया, सभा देश की कई कई बड़े बड़े पदभार ग्रहण किए, उनको निभाया, आज तक कोई आरोप नहीं लगा। उस व्यक्ति को इस तरीके का संबोधन एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? अरे देता है क्या? मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, शिवराज जी के इस कथन के लिए सामूहिक रूप से हाथ ऊंचे करके उनकी निंदा करो, हाथ ऊंचे करो सर। ये निंदा है शिवराज जी आपकी कि आपने एक ऐसे अनुभवी नेता को जिस शब्द का उपयोग किया, यह आपकी मानसिकता को बताता है। हम विरोध करते हैं इसका, निंदा करते हैं और आशा करते हैं आप माफी मांगोगे। लोकतंत्र मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं है कि जहां विधायक खरीदे बेचे जाए, जहां पर लोकतंत्र की हत्या की जाए, जहां सम्मान सामने वाले प्रतिनिधि का नहीं किया जाए। बीजेपी के लोग क्या हमारे दुश्मन है? अरे बीजेपी के लोग भी उनके विचार के कार्यकर्ता है, हम भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। यह पवित्रता है इस देश की, लोकतंत्र की, कि इसमें समर्थन हाथ जोड़ के मांगा जाता है। ये थानों का और पुलिस का डर बता के नहीं मांगा जाता है। ये कमल पटेल जिस तरीके का अत्याचार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर करता है, इस तरीके से नहीं होता है। इसका विरोध हर कांग्रेसी दृढ़ता से करेगा। साथियों, मैं अनुरोध करता हूं, ये बात आप सबको याद होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी का जो निलंबन हुआ, उसमें अडानी का 20,000 करोड़ रुपए का शेल कंपनियों में कहां से आया, ये सवाल पे हुआ। राहुल गांधी जी ने जैसे ही 7 तारीख को वो बयान दिया लोकसभा में, नरेंद्र मोदी के दिमाग पे नसें हिल गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो भ्रष्टाचार समाप्त की कसम खाई थी, मैंने तो ना कोई आगे है ना पीछे है, मैंने देश को बताया है नरेंद्र मोदी जी तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते, ऐसा विश्वास है लोगों में। ये 20,000 की बात कैसे आ गई? आदरणीय साथियों, जैसे ही सदन खत्म हुआ, राहुल गांधी जी के खिलाफ वो जो भाषण दिया था वो सदन में से निकाल दिया। जैसे ही सदन समाप्त हुआ, राहुल गांधी विदेश में गए, उन्होंने लोकतंत्र को लेकर जो बातें कही उनको बिना लोगों को, देश के लोगों को भ्रमित किया। जैसे ही राहुल गांधी विदेश में आए तो दिल्ली की पुलिस को भेज दी और राहुल गांधी से पूछताछ करेंगे कि आपने भाषण में कहा कि कई बहन बेटियों का बलात्कार होता है देश में, बताओ कौन सी बहन बेटियां हैं वो। पुलिस घर चली गई। इसी बीच राहुल गांधी पर एक भाषण में जो तमिलनाडु में दिया गया था उसको गुजरात लाया गया। गुजरात में जो केस चला, उस 7 तारीख के भाषण के बाद एक नया मोदी जो विधायक था, आज मंत्री है, उस मोदी ने कहा, जिसका नाम ही नहीं लिया राहुल गांधी ने, नाम लिया किसका, किसका लिया, नीरव मोदी, ललित मोदी और 3 लोगों का नाम लिया। जिस आदमी का नाम न लिया जाए वो आदमी कभी डेफिमेशन का केस लगा ही नहीं सकता, फिर भी लगा। फिर उसी आदमी ने 7 तारीख का भाषण था, 16 तारीख को कोर्ट गया, जिसको उसी ने रुकवाया था, जिस केस को आगे बढ़ने से, वो एप्लीकेशन वापस ली। 23 तारीख से फिर से ट्रायल चालू हुए, 17 तारीख तक ट्रायल हुए 20 दिन। 23 तारीख के दिन राहुल गांधी जी को सजा हो गई और 24 तारीख के दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, निलंबन हो गया। ये क्यों हुआ? ये वो 20,000 करोड़ रुपए के शेल कंपनियों में किसका था, इस सवाल से हुआ। जैसा ही यहाँ का जो भ्रष्टाचार की बातें सारे, जो आज मैं भी एक दुकान का उद्घाटन करके आया हूँ, ये खाद बीज की दवाइयों की, मैंने उससे धीरे से पूछा ये लाइसेंस कैसे मिला,
क्योंकि भैया 50,000 रुपए देने पड़े हैं। मैंने किसको दिए? ये सच्ची घटना है। अब भी यहां से पहले मैं नेमावर में मेरे क्या नाम है बेटा, विक्रम का, आदिवासी नेता, उसके कोई रिश्तेदार की दुकान थी, क्योंकि भैया उद्घाटन करना है। नहीं कोई बात नहीं, उसके रिश्तेदार का है। तो मैंने कहा ये तुम्हें लाइसेंस कैसे मिला, क्योंकि बिना पैसे से नहीं मिला। तो ये हालात पूरे प्रदेश में है, हर दुकानदार परेशान है। कृषि मंत्री का जिस तरीके का दिल दहलाने वाला लोगों के मन में डर है इसका, वो सब जग जाहिर है। और जो हरदा में जुआ सट्टा चलता है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो मध्य प्रदेश में जब ये मंत्री नहीं बने थे तो नाव में रेत देखने चले गए, मशीन देखने चले गए, और नाव ही डूब गई साली, है कहाँ? उसके बाद कभी गए नहीं, ना रेत में गए ना नाव में गए, किसी से। ये इनका असली चेहरा है। मैं आप सबसे बस इतना ही अनुरोध करता हूं कि ये लाडली बहना की जितनी बात करके गुमराह करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि ये मूर्ख बनाने की एक प्रोसेस है। अगर इनको इतना ही प्यार है बहन से तो 1150 की टंकी 150 में कर दे, 1000 रुपए उसको माफ कर दे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे यार उसमें जीजा भी खुश हो जाएगा और तुम्हें वोट दे देगा। अच्छा इतना ही तुम्हें बहना से प्यार है? भाई ने बहना की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे, अगर इतना ही है। गाना गा रहे थे कल सीएम, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सीएम साहब आप ये बिजली का बिल 100 रुपए कर दो, जाजी और बेन दो खुश रहे, नहीं करेंगे। वहां गाड़ियां उठाएंगे, जीजा को यातना देंगे, जेल भेजेंगे, और बहना को मूर्ख बना के वोट लेने का षड्यंत्र रचेंगे। यही है ना? तो अब निवेदन आपसे यह है कि 3000 रुपया क्विंटल गेहूं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर से हाथ उठाओ एक साथ, 3000 रुपया क्विंटल होना चाहिए। बात की किसान की बात है, गेहूं का दाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये वीडियो मेरा आज पूरे हरदा में जाना चाहिए और एक एक घर ये पता चलना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण जी ने किसानों का सम्मेलन रखा था, उसमें सर्वसम्मति से पास हुआ है कि अब वोट उसी को देंगे जो 3000 रुपए क्विंटल गेहूं देने की बात करेगा। ये विचार पार्टियों से बड़ा है, ये विचार किसान को, किसान परिवार को एक संपल देने की भावना है। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर ये नहीं देंगे, शिवराज जी नहीं देंगे, कमल पटेल नहीं देगा, तो ये कमल नहीं देगा तो कौन सा कमल देगा? तो वो कमल तुम्हें दे, इस कमल से नहीं मिले तो उस कमल से दे, तो इसके लिए आवश्यकता क्या है? अरे क्या है मतलब, विधायक आपको देना पड़ेगा, ट्रिमरनी का भी और यहाँ का भी, सही कह रहा हूँ गलत? और जीत कैसे सकते हैं वो बताओ, जब कांग्रेस एकजुट रहेगी तभी जीतेंगे ना। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भैया? तो मेरा भैया लच्छू भैया आप वहां जाओ, जाओ जरा, चलो धोगने जी खड़े हो। एक मिनट के सी शर्मा जी आप ही खड़े हो, इन दोनों को गले लगवा लगवा लो। भारत माता की जय, जवान जय, जवान जय, जवान। और अंतोगत्वा लक्ष्य क्या है? 3000 रुपया क्विंटल, 3000 रुपया क्विंटल, 3000 रुपया क्विंटल। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। 5 मिनट इसे सर्वानी बोलेंगे भैया, 5 मिनट। और भोजन व्यवस्था भैया, भैया 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 सब भाइयों से अनुरोध, नहीं बैठो सारे भैया, एक मिनट सारे वरिष्ठों से निवेदन।